हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक स्पिल यानी मेक योर सेल्फ यूनिक। दोस्तों, आज मेरी जो वीडियो है, इस वीडियो में थोड़ी सी आवाज़ आएगी। आज का वीडियो है तो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हम लोग स्ट्रक्चरल वॉल और स्ट्रक्चरल फुटिंग लगाना सीखेंगे अपने रैबिट स्ट्रक्चर के अंदर। बट थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ आ सकती है, तो उसको थोड़ा इग्नोर कर लेना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेरे घर में। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वाला काम चल रहा है। और हम लोग को सबसे पहले अगर वॉल बनाना है, तो वॉल बनाने के लिए आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर पे जाना है, और आपके पास ग्रिड तो रहेगी। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ ग्रिड तो डिस्कस किया था कि ग्रिड किस तरीके से बनाना है। ग्रिड बनाने के लिए यहाँ पे हमने क्लिक किया था, और फिर उसके बाद यहाँ से क्लिक किया था हमने डायरेक्ट, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, और फिर हमने सपोज यहाँ पे क्लिक कर दिया। इस तरीके से ग्रिड बना दिया एक डायरेक्शन में। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड डायरेक्शन में गए, और यहाँ पर जाके जो हमारा नंबर है, इस पर डबल क्लिक किया हमने, और इसको हमने कर दिया ए सपोज। फिर से हम लोग स्ट्रक्चर पर गए, और यहाँ पर जाने के बाद हमने कर दिया दूसरा ग्रिड, फिर हमने कर दिया तीसरा ग्रिड, चौथा ग्रिड। आप अगर हमारे MML यूनिट में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इसको UN करके यूनिट इसकी चेंज कर सकते हैं। सपोज हमने इसकी यूनिट रख दिया फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस, और उसके बाद कर दिया ओके और ओके डन। अब इसके बाद आपको कॉलम भी लगाना आ चुका है, क्योंकि हमने कॉलम के लिए फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। प्लीज़, अगर आपने सारा रैबिट स्ट्रक्चर नहीं देखा है, 8 पार्ट हमने कर दिए हैं, अभी लगभग 2 पार्ट और जाएंगे RCC में, जिसमें ये 9th पार्ट थे, एक पार्ट और बनाऊंगा। यहाँ पे हमको कॉलम्स लेना है, और कॉलम्स लेके जस्ट ड्रॉ करना है, जिस इस तरीके से ड्रॉ करना है। ओरिएंटेशन कॉलम का उस तरफ रहेगा जिस तरफ से लॉन्गर स्पैन कवर हो सके। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सपोज हमने क्लिक कर दिया, और फिर हमने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, और यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से हमने हर जगह पे कॉलम्स को फटाफट ड्रॉ कर दिया। मैंने छोटा स्पैन इसलिए लिया कि जल्दी से कवर हो जाए, और इसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे फिर से स्ट्रक्चर पे जाएंगे, और यहाँ पे बीम्स पे जाएंगे, और बीम्स पे जाने के बाद यहाँ से बीम को ले लेंगे। जो भी बीम चाहिए हमको, चाहिए रेक्टेंगुलर बीम, बट इसका डेप्थ 600 है, हमें 600 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 450 mm, और उसके बाद एंटर कर दिया। इसके बाद अप्लाई कर दिया, अप्लाई करके कर दिया ओके, और फिर हमने इस तरीके से बीम्स को ड्रॉ कर दिया। सपोज हमने बीम यहाँ से लिया यहाँ तक, और फिर उसके बाद यहाँ से लिया बीम यहाँ तक, और फिर यहाँ से ले लिया बीम को यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक बीम ले लिया, और इसके बाद यहाँ से ले लिया बीम्स को हम लोग यहाँ तक, और फिर यहाँ से बीम लिया हमने यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, इस तरीके से बीम को हम लोग क्या करना है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर दिया। ओके, ये स्पेन तो थोड़े से बड़े हो गए हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने कवर कर दिया, और फिर यहाँ से हमने कवर किया यहाँ तक, और यहाँ से कवर किया यहाँ तक, और यहाँ से कवर किया यहाँ तक। अब यहाँ से हमने इसको स्पेन को कवर कर दिया ये, और ये लगभग लगभग हमने सारे पोर्शंस को कवर कर लिया। और फिर एक एक कवर ले लो यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक। ये तो हो गया आपका बीम और कॉलम, जो आप पहले भी मैं आपको बताया हूँ, तो आपको डेफिनेटली पता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, और वो तो आपको पता है कि किस तरीके से बीम्स और कॉलम्स को लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा वॉल। तो वॉल किस तरीके से लगानी है, इसको ध्यान से देखिएगा। आप Level 2 पे गए, इस तरीके से बीम्स कॉलम्स को बनाने के बाद इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फटाफट लेना है वॉल्स को, और वॉल में आपको लेनी है स्ट्रक्चरल वॉल। मेक श्योर आपका स्ट्रक्चर वॉल ही होना चाहिए। यहाँ से लीजिए स्ट्रक्चरल वॉल, और इसको एडिट टाइप करिए, यहाँ पे डुप्लीकेट करिए। सपोज हमने इसको किया 150 mm का, ओके, और फिर यहाँ गए और यहाँ पे 150 mm डाल दिया ऑलरेडी, यहाँ पे 150 mm यानी 6 इंचेस, और इसके बाद कर दिया इस पर ओके, और फिर यहाँ पे किया ओके, और जस्ट हम वॉल को ड्रॉ करते जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट को कोऑर्डिनेट करिए, और सेकेंड पॉइंट को क्लिक करिए, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक करिए, और यहाँ तक आइए, और फिर यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ तक आइए, और फिर यहाँ से क्लिक करिए, यहाँ तक आ जाइए। लगभग हमने सारे वॉल्स को कवर कर लिया इस तरीके से। तो इस तरीके से आपकी वॉल क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। वॉल कंप्लीट होते ही आप क्या कर सकते हैं, Level 1 पे जाइए, और 1 पे जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आपके पास वॉल के लिए स्ट्रक्चरल फुटिंग्स आ जाएगी, जिसकी शॉर्टकट की भी दिख रही है आपको यहाँ पर FT, इस पर क्लिक करिए। और यहाँ पर देखिए, एक वॉल फुटिंग्स पहले से यहाँ पर वेयरिंग फुटिंग्स, और एक है आपकी रिटेनिंग फुटिंग्स। सपोज हमने वेयरिंग फुटिंग लिया, आप इसके एडिट टाइप जाएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे दिखेगा कि इसका विड्थ कितना रखना है, इसका थिकनेस कितना रखना है, लेंथ कितना रखना है, और वो रखने के बाद यहाँ पे फटाफट ओके करिए, और सिर्फ आपको वॉल पे पिक करना है। देखिए, इस वॉल पे पिक किया, इस वॉल पे पिक किया, इस वॉल पे पिक किया,
और पिक करने के बाद इस वॉल पे पिक कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी आपकी स्ट्रक्चरल वॉल की फुटिंग्स तैयार हो जाएगी आपकी। राइट क्लिक कैंसिल, राइट क्लिक कैंसिल। आपको हाइट और उसमें कुछ भी चेंजिंग्स करनी है तो बस इसको सेलेक्ट करना है, एडिट टाइप पे जाके चेंजिंग्स आप पुट कर सकते हैं जो भी आपको चेंजिंग्स यहाँ पे चाहिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से इसमें हम लोग स्ट्रक्चरल वॉल की फुटिंग्स तैयार कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसमें रेनफोर्समेंट किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। तो आपको पूरा का पूरा वॉल, कॉलम, बीम, फुटिंग्स, मैंने RCC के लगभग लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। प्लीज़ इसको ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, जिससे मेरी कोशिश है कि मैं एक प्रोजेक्ट भी करके दिखा दूँ जिसमें कंप्लीट प्रोजेक्ट हो, और एक किसी का प्रोजेक्ट है उसमें किस तरीके से काम करेंगे वो भी बताने की कोशिश करूंगा। बट उसके लिए आप सबका सपोर्ट चाहिए। अगर हमें रिस्पांस मिलेगा आपकी तरफ से तो डेफिनेटली मैं इसको आपके सामने करके दिखाऊंगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।